हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके 3 मिनट 55 सेकंड से वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो मेरा मैच है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और पूरा 4 मिनट तक वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली मैच मेकिंग फेल्ड हो जा रहा है और मेरा मैच स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मैं कितनों ही ट्राई कर लूँ, बार बार यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं मतलब कि वेट करता हूँ, 4 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट हो जाता है, लेकिन मेरा जो मैच है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। एंड अगर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं किसी के ग्रुप में जाने का ट्राई करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी ग्रुप में जाने का ट्राई कर रहा हूँ, दिस टीम कॉन्टेंट सस्पिशियस प्लेयर अंडर इन्वेस्टिगेशन अनवेल टू ज्वाइन दिस टीम, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। एंड अगर मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है आप खुद देखो। मैं ट्रेनिंग सेलेक्ट किया, स्टार्ट किया, ये फटाक से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट हो जाने देते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपली चले जाता हूँ ग्राउंड के अंदर। एंड आप यहाँ पे देखो ट्रेनिंग के अंदर मेरे को एक भी बंदा नहीं मिलता है भाई, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, मैं अकेला हूँ इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो इसी को आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाना बोलते हैं, अगर आपका बीआर रैंक स्टार्ट हो रहा है, किसी ग्रुप में नहीं जा पा रहे हो और ट्रेनिंग में आ रहे हो, तो कोई बंदा आपको नहीं मिल रहा, तो आपका आईडी 100% ब्लैकलिस्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका अगर आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया है तो उसको ब्लैकलिस्ट से कैसे निकाल सकते हो, कैसे सही कर सकते हो। कुछ लोगों का बिना किसी रीजन दोस्तों आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है एंड महीनों तक बीत जाता है फिर भी उनका जो आईडी है वो सही नहीं होता है, तो उनका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एकदम अच्छे से बताने वाला हूं कि आखिर आईडी ब्लैकलिस्ट क्यों होता है। कुछ लोग कुछ गलती नहीं करते, मतलब कि फेयर गेम प्ले करते, कुछ हैक वगैरह यूज नहीं करते, फिर भी उनका आईडी ब्लैकलिस्ट क्यों हो जाता है, एंड आईडी ब्लैकलिस्ट होने के बाद क्या करने से आपका आईडी ब्लैकलिस्ट से हटेगा, एंड कुछ लोग मिस्टेक्स कर देते हैं जिस वजह से उनका जो आईडी है वो महीनों तक ब्लैकलिस्ट में ही रह जाता है और उनका आईडी कभी ब्लैकलिस्ट से हटता ही नहीं है। तो सभी चीजों के बारे में दोस्तों मैं आपको एक एक करके पूरे अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको इस टॉपिक के ऊपर फिर दूसरा वीडियो किसी का और नहीं देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू से बात करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर फ्री फायर हमारे आईडी को ब्लैकलिस्ट क्यों कर देता है। तो इसका आंसर है, जब फ्री फायर को लगता है कि हम गेम के अंदर कोई अबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि हैक यूज कर रहे हैं, ग्लिच यूज कर रहे हैं, तब फ्री फायर हमारे आईडी को ब्लैकलिस्ट में डाल देता है। और इस दौरान दोस्तों हमारे आईडी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है फ्री फायर टीम के द्वारा। एंड आपने देखा होगा कि जब हम किसी के ग्रुप में जाने का ट्राई करते हैं वहां पे भी यही लिखा हुआ था, सस्पिशियस प्लेयर अंडर इन्वेस्टिगेशन अनेबल टू ज्वाइन दिस टीम, मतलब कि हमारा आईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस दौरान हम किसी के ग्रुप में नहीं जा सकते। और इसी इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों फ्री फायर पता कर लेगा कि आपने कोई हैक यूज किया था या फिर ग्लिच यूज किया था। अगर आपने कोई सच में हैक या फिर ग्लिच यूज किया था तो आपका आईडी यहीं से परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। एंड अगर आपने कोई भी हैक या फिर ग्लिच यूज नहीं किया था तो आपका आईडी फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट से हट जाएगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत से लोग अपने आईडी पे कुछ भी हैक या फिर कुछ भी ग्लिच यूज नहीं करते हैं फिर भी उनका आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। आखिर क्यों भाई, हम लोग रियल तरीके से गेम प्ले करते हैं, उतना सारा मेहनत की है, आईडी पे टॉप अप की है, और भाई फ्री फायर ऐसे मतलब कैसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। तो ये भाई सरासर गलत बात है, फ्री फायर की गलती है इसमें, और कुछ कुछ गलती प्लेयर्स का भी होता है जिस वजह से उनका जो आईडी है वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है। फर्स्ट गलती है दोस्तों, हैकर्स को अपने टीम में लेके गेम खेलना। कुछ लोगों को उतना पता नहीं होता है और हैकर्स को अपने टीम में लेते हैं और गेम खेलते हैं और रैंक पुश करते हैं, तो यार इसमें प्लेयर्स की ही गलती है। बट कई बार क्या होता है कि हम हैकर्स को अपने से मतलब टीम में नहीं लेते हैं, वो रैंडमली हमारे टीम में आ जाते हैं, हम लोग मैच स्टार्ट कर देते हैं और हमारे टीम में अपने आप मतलब कि हैकर्स आ जाता है और सामने वाले बंदों को मार देता है और उधर से रिपोर्ट पड़ जाता है, तो अपना जो आईडी है वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो इसमें गलती फ्री फायर की है, क्योंकि यार हैकर को तो हमने अपने टीम पे खुद से नहीं बुलाया, उसको तो फ्री फायर ने भेजा था, और फ्री फायर उतना पॉपुलर गेम है, तो यार तुम गेम को ऐसे कैसे बना सकते हो कि कोई भी हैक यूज कर लेगा। मतलब गेम में हैक यूज होना ही नहीं चाहिए, कोई हैक यूज कर ही ना पाए, ऐसे गेम को बनाओ ना, फालतू में हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई ज्यादा बोल दिया शायद, तो ये दोस्तों मतलब कि फ्री फायर का ही गलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, बैक टू बैक बुइया करना, ज्यादा से ज्यादा बुइया स्ट्रीक बनाना, ज्यादा से ज्यादा रैंक पुश करना, इससे भी आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप बैक टू बैक बुइया करोगे, बहुत ज्यादा बुइया स्ट्रीक बनाओगे, आप एक दिन में बहुत ज्यादा रैंक पुश कर लोगे, तो फ्री फायर को ये लगता है कि आप कुछ ना कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हो और आपके आईडी को दोस्तों अंडर इन्वेस्टिगेशन में डाल देगा, यानी कि ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो यहाँ पे गलती पूरा पूरी फ्री फायर का ही है। एंड उसी के साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो आईडी है वो अपने 2-3 दोस्तों के मोबाइल में लॉग इन कर लेते हैं एंड सभी लोग मिल के एक ही आईडी पे रैंक पुश करते हैं, गेम खेलते हैं। और पहले के टाइम पे दोस्तों मल्टीपल डिवाइस लॉग इन करने पे भी आईडी उतना जल्दी ब्लैकलिस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप मल्टीपल डिवाइस पे लॉग इन करके रैंक पुश करोगे, गेम खेलोगे, तो आपका आईडी जल्दी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो यही सब कारण है जिस वजह से आपका जो आईडी है वो फ्री फायर ब्लैकलिस्ट कर देता है। तो अगर आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया है तो अब बात करते हैं कि इसको सही कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। तो आपने सच में कोई हैक यूज किया था और अगर इस वजह से आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ है तो आपका आईडी ब्लैकलिस्ट से हटेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपने अपने आईडी पे हैक यूज नहीं किया है लेकिन
लेकिन आप हैकर्स को अपने टीम में लेके गेम खेले हो या फिर दोस्तों आप अपने आईडी को बहुत से लोगों के मोबाइल में लॉग इन करके एक ही आईडी पे रैंक पुश किए हो, तो इसमें दोस्तों आपका जो आईडी है वो ब्लैक लिस्ट से हट जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों पनिशमेंट मिलने वाला है इसमें। आपका जो आईडी है वो फ्री फायर पूरा 30 दिन के लिए ब्लैक लिस्ट कर देता है। और जो लोग कुछ भी अब नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, बस गलती से उनके टीम में हैकर आ जाता है या फिर ज्यादा रैंक पुश कर लेते हैं या फिर ज्यादा का भुया स्ट्रीक बना लेते हैं, तो उनका जो आईडी हो 24 घंटे के अंदर दोस्तों अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। बट 90% लोगों का दोस्तों अपने आप सही नहीं होता है, क्योंकि उनका जो आईडी ब्लैक लिस्ट होने के बाद वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं अपने आईडी पे, जिस वजह से उनका आईडी जो है ब्लैक लिस्ट से नहीं हटता है, 20-25 दिन 30 दिन हो जाता है फिर भी। तो चलिए ये भी बता देता हूं कि वो कौन सा मिस्टेक्स होता है जिस वजह से हमारा जो आईडी है वो महीनों तक के लिए ब्लैक लिस्ट में ही रह जाता है और कभी बाहर ही नहीं आता। तो गाइस, जब आईडी ब्लैक लिस्ट होता है उस टाइम आप किसी ग्रुप में जाने का ट्राई करोगे, आप नहीं जा पाओगे। आप BR rank स्टार्ट करोगे, आपका मैच स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आपका जो CS रैंक है वो स्टार्ट हो जाएगा। और 90% प्लेयर्स यहीं पे मिस्टेक्स कर देते हैं कि वो CS खेलने चल जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका आईडी ब्लैक लिस्ट होने के बाद आपने CS मैच खेला था कि नहीं, और CS मैच खेलने से क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आईडी आपका ब्लैक लिस्ट है और उस टाइम आपका CS मैच स्टार्ट तो हो जाता है, बट मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने CS मैच खेला होगा, अगर आप 5 CS मैच खेलोगे ना आईडी ब्लैक लिस्ट होने के बाद, तो 5 में से दोस्तों 3 मैच में दोस्तों हैकर आएगा ही आएगा। और हैकर जो है वो ओपोनेंट टीम में भी आ सकता है और आपके टीम में भी आ सकता है। एंड अगर आपके टीम में फिर से हैकर आ गया, मतलब कि फिर से आप हैकर के साथ गेम खेल दोगे, रैंडमली भले ही आया फिर, लेकिन आप हैकर्स के साथ फिर से गेम खेल दोगे, तो फ्री फायर को ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई आप हैकर्स को लेके गेम प्ले कर रहे हो, तो आपका आईडी यहाँ पे ब्लैक लिस्ट से नहीं हटेगा। तो इसीलिए अगर आपका आईडी ब्लैक लिस्ट हुआ है तो आपको CS रैंक नहीं खेलना है। और जब तक आपका आईडी ब्लैक लिस्ट से नहीं हटता है आपको क्या करना है, आपने बहुत सारे मोबाइल में अगर लॉग इन करके रखा है अपने आईडी को, तो गेम में आपको सेटिंग में यहाँ पे लॉग आउट ऑल डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, सबसे मतलब सभी डिवाइस से आप लॉग आउट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको डेली मतलब गेम में आना है, और गेम में आने के बाद सिंपली आपको लोन वोल्फ खेलना है, 2-3 मैच डेली आप खेलना और आप अपने आईडी को ऑफलाइन रख देना। तो यही चीज अभी आपको फॉलो करना है। आपको सोलो में क्लासिक मैच खेलना है या फिर लोन वोल्फ खेलना है सोलो में, आप रैंडम प्लेयर्स के साथ ग्रुप में स्टार्ट मत कर देना, नहीं तो अभी आपका आईडी ब्लैक लिस्ट है, फिर से आपका आईडी पे मतलब कि आपकी गेम में हैकर्स आएगा, फिर से आप हैकर्स के साथ खेलोगे तो आपका आईडी ऐसे करके कभी ब्लैक लिस्ट से हटेगा ही नहीं। तो आपको 30 दिन तक फेयर गेम प्ले करना है, आपको अपने आईडी पे डेली 1-2 मैचेस खेलना है, और 30 दिन के बाद दोस्तों आपका जो आईडी है वो ब्लैक लिस्ट से हट जाएगा। मैं खुद इस चीज को मतलब कि फेस कर रहा हूँ, मेरा आईडी खुद 15-16 दिन से ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे 3-4 मैच में हैकर आ गए। तो यार इसी वजह से गरेना को लगा कि मैं हैकर्स को लेके गेम खेल रहा हूँ, इसी वजह से मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट हो गया। तो अभी आप उतना मैच अपने आईडी पे मत खेलना, आप डेली 1-2 मैचेस लोन वगैरह खेलो एंड 30 दिन तक आप वेट करो, आपका आईडी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो बस यही था वीडियो, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।